आपको कौन सा मॉडल पसंद है, यानी सऊदी अरब का मॉडल है इस्लाम के हवाले से, के जो तुर्किया का है मॉडल, वहाँ पे क्लब्स भी ओपन है, देखिए, वहाँ पे मस्जिद भी ओपन मैं है। आपको बात बताऊं कि मॉडल जो है ना, ये फिर वादा हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ना सऊदी अरब ना तुर्की। मैं ये समझता हूँ मॉडल जो है ना इस्लाम का, इस्लामिक मॉडल है, जो इस्लाम की तालीमात है कि इस्लामी रियासत कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो मदीने की रियासत का मॉडल है ना, वो इस्लामिक मॉडल है। तो मदीने की रियासत में क्या, मतलब अगर मदीने की हम रियासत में आज क्लब्स नहीं थे, मदीने की रियासत के अंदर डिस्कोज नहीं थे, मदीने की रियासत के अंदर फाशी नहीं थी, मदीने की रियासत के अंदर अदल व इंसाफ था, मदीने की रियासत के अंदर जुल्म नहीं था, तो वो रियासत जो है ना, वो आइडियल है। वो रियाद, जद्दा, मैं किसी और की मिसाल, तुर्की, यूरोप, ये मिसाल ही नहीं है ना। हम मुसलमान रियासत है ना, तो हमारे लिए रियासत मदीना मॉडल है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में होटल है वहाँ पे शराब होती है, जो गैर मुल्की लोगों ने आना होता है नहीं उनके होनी लिए चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो गैर मुल्की इसका लोगों के, हमारे मुल्क हमारे कवानीन है। आपको गैर मुल्की मुल्कों, फॉरेन कंट्रीज के अंदर कई ऐसे मुल्क है जहाँ पे आपको जो है वो हलाल चिकन नहीं मिलता, वो केयर करते हैं आपकी? वो केयर की वजह से नहीं, वो तो मसला है कि कम लोग या ज्यादा लोग इस्तेमाल करते मैं हैं ये बात कर इसको। रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा कोई फॉरनर रहते हैं, यहाँ पे कौन सा कोई इंटरनेशनल कोई एक्सपोर्ट 2030 लगा हुआ है, जो यहाँ पे जो है वो इतने फॉरनर आ रहे हैं? यहाँ पे यहाँ लोग पे तो भी आते हैं ना, यहाँ पे 22 जॉब्स करोड़ के करते हैं, अंदर कितने हैं चीनी यहाँ पर आते मसलन, हैं, कितनी बोरे तादाद यहाँ होगी, पर आते कितनी हैं, तादाद एम्बेसीज होगी, यहाँ तो पर हैं। आपको शराब प्रोवाइड करना आपके ऊपर उसके क्या कहते हैं, जायज़ है? मैं तो आपसे ये रानमाई लेना चाह रहा हूँ। मैं मेरे नज़रिए के मुताबिक तो आपको शराब नहीं दे सकते, हमारे रियासत के आपके अंदर ख्याल हमारे में कानून ना आए। तो जो हमारी एम्बेसीज में इधर उधर शराब दी मैं जा ये रही है वो कहता नहीं हूँ कि देनी चाहिए। हमारी हमारे मुल्क के अंदर कवानीन किसके फॉलो होंगे, अमेरिका के या यूरोपियन कवानीन हमारे मुल्क में फॉलो होंगे? हमारे मुल्क में तो पाकिस्तान के लॉज ही फॉलो होंगे ना। पाकिस्तान के लॉज आर्टिकल 6 क्या है कि भाई कुरान और सुन्ना इज द सुपीरियर सुप्रीम लॉ। ये तो मैं आइन की बात कर रहा हूँ। ये तो आप बात करने लगे, प्रैक्टिकल बात ऐसे चलती नहीं है। आपको मैं बात करूं कि चले प्रैक्टिकल बात है कि भाई हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी को हम शराब सप्लाई करें। तो आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, मैं इस्लाम का इससे बातें मैसेज क्या ये बात है। करूं, इस्लाम का मैसेज ये है कि आप शराब सप्लाई नहीं कर सकते। आपके घर में बंदा आया, आप शराब नहीं पीते, घर के घर का कानून है ना, मेरे घर का, मेरे घर में ना शराब पी, अपने घर जाके पी ले। ठीक, जिस मुल्क के हमारे घर में हमारे कानून लागू होंगे। अगर किसी मुल्क का कानून हो कि कत्ल करना वहां पे उसकी सजा फांसी नहीं है, ये कत्ल करना अलाउड है, तो क्या वो पाकिस्तान में आके अपने मुल्क का कानून नाफिज करे, कत्ल करे यहाँ पे आके? समहाउ इस्लाम के अंदर नहीं अलाउड, हमारे मुल्क के कानून के अंदर भी नहीं अलाउड शराब। तो अगर इलीगली उनको सप्लाई की जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो गलत किया जा रहा है, चाहे वो जो मर्जी कर रहा है।